नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो हमें बेहतर तरीके से पता है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति करवट ले रही है, करवट लेती रहती है, हम वाकिफ़ हैं उससे। चलिए बात करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अगले साल होने वाली है, यानी 2025 में क्या कुछ निष्कर्ष होगा, क्या कुछ मुद्दा होगा, उस विषय पर हम बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। देखिए, राजद कार्यालय के पास इस वक्त हम उपस्थित है और राजद कार्यालय के पास उपस्थित है तो राजद से संबंधित ही हम बातचीत भी करेंगे। जिस तरीके से हम जाते हैं 2019 में अगर हम जाएँ तो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पर राजद को 0 सीटें आई थी। जी हाँ, आपको बेहतर तरीके से पता होगा, उसी राजद की हम बात कर रहे हैं जो बिहार की राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है राजद, उस राजद की 0 सीटें आती है। वहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अगर आए तो वहाँ 4 सीटें आती है। सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि 4 सीट किसके काम आते हैं। आपको पता है, 4 कंधे मुक्ति धाम पहुँचाने के काम आते हैं और बांस घाट पहुँचाने के काम आते हैं, ऐसे बयान भी हमें सुनने को मिले। लेकिन ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से महागठबंधन ने 2019 के मुकाबले, लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 के मुकाबले, अभी खुद को स्ट्रांग किया है, खुद को मजबूत किया है, वो एनडीए के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। जहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा, जिस तरीके से शुरुआती दौर पर हम चले तो महागठबंधन में ऐसी ऐसी पार्टियाँ हैं जिसमें हम दो ही पार्टी का नाम इस वक्त लेंगे, एक कांग्रेस और एक राजद। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है, वहीं राजद की अगर बात करें तो राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आती है। और बिहार में राजद का क्या वर्चस्व रहा है, लालू सरकार की बात करें तो हम बेहतर तरीके से पता है। राजद समर्थकों की बात करें तो राजद समर्थक लालू प्रसाद के नाम पर राजद को वोट देते हैं और वो कारीगर भी साबित हो जाता है। 15 साल तक राजद सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपना वर्चस्व चलाया, जहां पर उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी, दो बार की फाइनेंस मिनिस्टर भी राबड़ी देवी रह चुकी है, तो कम में आंकना यहां पर नहीं होगा। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजद के, वो लगातार रैलियां करते नजर आते हैं, बने रहते हैं जनता के बीच में, मुश्किलें पैदा तो होनी बनती ही हैं एनडीए के लिए। वहीं पर एक ऐसी पार्टी है महागठबंधन में जो दिक्कत पैदा कर सकती है, और वो महागठबंधन की पार्टी का नाम है CPIML। जी हाँ, CPIML, यहाँ पर आप जानते हैं जिस तरीके से CPIML का इस समय वर्चस्व बना हुआ है, लगातार लोकसभा इलेक्शंस में जो सीटें उन्होंने जीती हैं, चाहे हम आरा की बात करें या काराकाट की बात करें, जो सीटें कोई सोच नहीं सकता था कि सीटें CPI के खाते में जाएंगी और वहाँ से NDA का नामोनिशान मिट जाएगा, वहाँ से CPI ने मिटाने का काम किया। काराकाट में हम जानते हैं जिस तरीके से राजा राम, और आरा की बात करें तो सुदामा प्रसाद बढ़कर सामने, आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जैसे तमाम चेहरों को हराकर तो मुश्किलें पैदा तो कर सकती है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए भी यहाँ पर कम नहीं है, एनडीए देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों का नाम भी दर्ज करा लिया है। लेकिन क्या एनडीए इस बार बिहार में अपना झंडा गाड़ पाएगी? अभी एनडीए की ही सरकार हम बिहार में कह सकते हैं कि है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की गठबंधन है JDU के साथ, वो एक दिक्कत पैदा कर सकता है राजद को। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि JDU और BJP को मिला दें तो वो सीटें पैदा कर सकती है दिक्कत है, क्योंकि इस समय का जो रेशियो है, रेशियो के मुकाबले अगर हम चले, रेशियो को देखते हुए अगर हम चले तो यहाँ पर राजद और महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा सा कम लग रहा है, तुलना करें अगर BJP और NDA से तो, क्योंकि JDU और BJP ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में बढ़ चढ़ कर सामने आ सकती हैं। हालिया सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार है, JDU की सरकार है, और वही सरकार इस समय बिहार चला भी रही है, और वहां से NDA जो निकल कर सामने आती है, NDA बहुत बड़ी तादाद में वोट ला सकती है। कारण बहुत सारे हैं कि अभी वर्चस्व की बात करें तो नीतीश कुमार का ही वर्चस्व इस समय फैला हुआ है और उनका साथ देने के लिए नरेंद्र मोदी भी यहां पर लगातार बने हुए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, वहां पर महागठबंधन निकलकर सामने आती है, राजद निकलकर सामने आते हैं, कांग्रेस निकलकर सामने आते हैं, CPI निकलकर सामने आती है, या फिर NDA से बात करें तो JDU निकलकर सामने आती है, या फिर BJP निकलकर सामने आती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी सर तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहो, देखते हैं न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।